भागों वाले। भैया बहनों नमस्कार। पतंग हवा में उड़े हैं मगर पतंग की डोर जमीन पर होत है। छोटे छोटे सहरन मां लड़कियां इन पतंगन जैसी ही तो होत है। ज्यादा उड़े तो काट दे, शाम को बाहर जाने को बोले तो खुद ही देख लो। पापा हम पूजा को उसकी कॉपी लौटा है। शाम को कौन अच्छे घर की लड़की बाहर जात है, चल बैठ अंदर। शाम को बिठाई दे घर पर और सुबह का छोटा भैया काले छोड़ के आइए। दीदी हम शाम में आएंगे तुमको ले ले, तब तक कहीं जाना नहीं। हाँ मगर 4 बजे तक आए जाना वरना पापा को फोन कर देंगे। पापा लोगन की छोड़ो और जरा चौराहन पर एक नजर डालो भैया। लड़कियन के हाथ में रुमलिया, हाथन में हाँ, और नजरे मजाल है कि उड़ जाए। और अगर कभौ छज्जे फैलाए ले कपड़े तो भैया तमाशा का तमाशा हुई जा। काबे चिटबाजी कर रहे हो, तुमका ठकरार होगा। नहीं लड़की के भाई हैं। हर छोटा शहर ऐसे ही शहर, कन्नौजो ऐसे ही एक शहर, इतरवालन का शहर, महाराजा धीराज हर्षवर्धन का शहर। अभी जैसी देखी ऐसे ही लड़कियन का शहर, मगर 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 एक लड़की सबसे अलग और वो है हमरी रुंझुन। भैया जिस शहर मा लड़कियां रातन का घर से ना निकले उसी शहर मा हमरी रुंझुन को रातन का जाने का पड़े ऐसी ऐसी जगहन पर। ई लोहे वाला ग्रिल कल उठवा ले जियो। जी। कितना खराब भाग है इसका, बेचारी अभागन। और सब छोड़ो भैया, कोई लड़की का उसके घर वाले ऐसे काम पर भेज सके हैं का? अरे और रुंझुन बिटिया ई लो अपना चकाचक पान। चचा एक बनारसी पान हम लोग खिलाओ जरा, देखे कैसा लगा है खान में। अभागन है बिचारी, वरना इस समय इन लंदन के बीच यहाँ आना पड़ता। अरे भैया अभागन न होती तो भरे चौराहे पर लड़कन की साइकिल में हवा भरवाती। अभागन न होती तो सड़क पर ई दशा में होती। भैया रुंझुन तो जाए रही है काम पर अब आप लोग चलो इतर वाली गली में और देखो ई पांडन लोगन का रुंझुन का ननिहाल, रुंझुन के मामा। अरे मेरे नाम पर कन्नौज का हर फूल वाला फूल फ्री में भिजवा देता है, हाँ? आप एक काम कीजिए, रज्जू पांडे का नाम लीजिए और इत्र के लिए और फूल भिजवाइए। देखिए मुझे ज्यादा मैं करने की आदत नहीं है। अच्छा ठीक है मैं देख लूंगा, लेकिन आज नहीं, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। आज मेरी बेटी का रिजल्ट निकलने वाला है भाई, मैं उसे फर्स्ट डिवीजन दिलवाऊंगा भाई। बहुत मेहनत की है मैंने उसके लिए। नहीं महादेवी नाम है उसका, महादेवी। महादेवी, महादेवी पांडे नेम माय। आय हाय महादेवी, दो थप्पड़ मारिए ना कि दिमाग ठीक हो जाए। 3 साल से फेल हो रही है और फिर फेल हो रही है। काम की न काज की और दुश्मन अनाज की। अरे चल बोतल मैयो, इतर भरना सीख और ना झूठा नोच नोच के सिखाइए हम तोहके। मिठक औलाद होई के मिठक नाम खराब करके रख दिए, जैसो बाप वैसी ही बेटी। मेरी बेटी है भाई। अरे मैंने नाम रखा है ठीक है ना, वो क्या है ना गुप्ता जी, नाम में महा होना चाहिए, महादेवी। अच्छा चलिए रखते प्रणाम। क्या मिठो जी, मेरी बेटी फर्स्ट आएगी आज, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? आय हाय पांडे जी, आप कब वो गलत बोले हैं जो आज बोलिए? अरे आप जितने ज्ञानी पुरुष की बिटिया फर्स्ट ना आई है ऐसा कब हो सकत है? अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ मिठो। कहो
कुछ भी करते वही हो, गधों वाली बात पांडे। अरे बिटिया नेल पॉलिश बाद में लगाइयो, पहले इत्र भरना सीख लो। आय हाय पांडे जी, अरे इका रिजल्ट तो मांग बगो। अरे मैं कोई काम भूलता हूँ भला मिठू? अरे सुबह होते ही मैंने यही काम किया, भेज दिया रिजल्ट लाने रुंझुन को। मन तो करे है कि तुमका 10 जूता खींच के मरिए पांडे। हाय हाय पांडे जी, अरे ई का कर दिया आपने, अरे उस अभागन को भेज दिया रिजल्ट लाने को। अब तो हमरी देवी को कौनो नहीं बचा सका थे। अरे रूपा जानत हो वो अभागन बोझा रानी, पेट छू लेना तो पैर सूख जाए। अब वो अभागन हमारी देवी का रिजल्ट थामिए, हमारे देवी कहिए फिर अब हमरी देवी को कौनो नहीं बचा सकत है। आय हाय पांडे जी, अरे काहे भेज दिया उस अभागन को। अरे मिट्टो पांडे, अरे तुम्हारी दिमाग की घंटी काहे नहीं बजी। दीक्षा दीक्षा, भैया 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 भैया, इत्र वाली गली चलेंगे। गली चलेंगे ना। हे भगवान, अगले जन्म मोहे रिक्शा वाला ही कीजो, कम से कम लड़कियां पूछेंगी तो सही। ए, जाओ यहां से। अबे जा रहे हैं बड़ू। चलेंगे ना भैया। 20 रुपया पड़े हैं, थोड़ा ज्यादा दे दो। भैया हम क्या देंगे आपको, देने वाला तो भगवान होता है ना, वो देगा आपको, आप तो बस हमको ले चलिए। अरे बेटिया तुमने जैसा मीठा बोलन वाली सरस्वती बोले और हम ना चले। चलिए भैया। हाय हाय पांडे जी, अरे काहे भेज दिया उस भागर को आपने, अरे हमरी तो किस्मत ही फूट गई। फूटिए तुम्हारा सर। लाव डंडा ते मारे रज्जू दुल्हन का सर फोड़ दे। रोज रोज का ड्रामा सुनते सुनते कान अमरूद हो गए हैं। रज्जू पांडे कोई लाज शर्म है कि नहीं? हाँ, अरे 10 यार मरे हुए हैं तब जाके तुम पैदा हुए। हमरी बिटिया ऐसी, हमरी बिटिया वैसी, और दूसरे की बिटिया तुम्हारी अपनी सगी बहन की बिटिया है वो, और भेज दिए रिजल्ट वाला ने सुबह सुबह, न खाना न नाश्ता। वाकई अभागन है तो तुम जैसे मामा मामी मिले।
भैया जरा रुकी रुकी रुकी। अरे बचवा देख के काम हुआ बिटिया। जरा हम गौरीशंकर बाबा को प्रणाम करके आते हैं। ठीक है बिटिया जाओ। लगता है थक गए हैं भैया। अरे नहीं बिटिया तुम बैठो हम चलते हैं। चलो चली चली हम धक्का लगा देते हैं। अरे नहीं बिटिया तुम बैठो हम चला लेंगे। एक काम करते हैं धोबी घाट तक हम धक्का लगा देते हैं फिर हम बैठ जाएंगे। चलिए चलो। बड़ी मामा को फोन करना चाहिए। ताऊ जी आपका फोन बज रहा है। अरे वाह बबली बेटा थैंक्स यू वेलकम। देखा मिट्टो जी मैंने सिखाया उसको अंग्रेजी बोलना। आय हाय पांडे जी अब फोनवा तो उठा लीजिए। हाँ। बड़े मामा रुंजुन बोल रहे हैं आपको रिजल्ट बताना था। हाँ रुंजुन। अरे आय हाय बोझा रानी तुम ना बताइयो हमका थोड़े पता चलिए तुम जो हो और देवी भला पास हो जाई है। फेल एकदम में फेल तुम जाइयो और अपना अभागन हाथ से रिजल्ट थमियो तो रिजल्ट तो अभागा हो जाई है। काहे गरी आई रही हो का तुमरी बेटी 3 साल से कटाप कर रही थी कि आज रुंजुन के जाने से फेल हुई जाइए। इतनी काबिलियत मत झाड़ो तुम लोग एक काबिल तुम और दूसरे रज्जू पांडे। कुछ बोलवो करिएगा। मैं कहता हूँ अम्मा अरे मैंने रुंजुन को चुप। I am पांडे। का किए हो रुंजुन के वास्ते आज तक का किए हो। अरे नौकरानी बना के रख दिए हो। अबे हमरे बाप नौकरानी ये खातिर नहीं भेजे कि तुम हमका बोले थे कि रुंजुनिया है। अब अगर उसको पहले मिठा जी जी कहीं काम करे का है तो हम भी उसको ठोक पीट के बराबर कर दी है। हमारा नाम भी कलसन वाली है। हाँ लियो ई घर में कौनो काम रुंझुन के गरियाए बगैर होत नहीं। शुरू हो गया दूसरी नौटंकी। कुत्ते का चुप हो तुम। अरे कुत्ते की तुम हो तुम। अला विष्णु पांडे वकील को अगर फिर से कुछ मारा ना तो अदालत से लटकवा देंगे तुमको। तुम्हारे बाप भी ना वो बचाने नहीं आएंगे तुमको समझे। अल्लाह बे समझ तो तुम लियो। हम तुमको तकिया ठोक दिए ना हमने बाप कलसन से आई है तो तुम्हारी ठोक दी है। आ गई हो क्या कलसन वाली है। कह चाहती हूँ रज्जू भैया के सामने जाके नाक रख रहे कि हमारे ससुर का भेजा गेहूं चावल वो बस अड्डे पे पड़ा सड़ रहा है किसी इतर वाले को भेज के उठवा दो। रज्जू भैया के सामने नाक रख रहे हम हटो। ठीक है तो अब है फोन लगाओ रुंझुनिया को। अब है लगाओ। ऑर्डर मत दो तुम हमको। ऑर्डर मत दो। का बोला ऑर्डर नहीं दे। अबे तुम भी ऑर्डर की ऐसी कितना ऐसी। अब है फोन लगाओ रुंझुनिया को कि बस अड्डे जाके गेहूं चावल उठवाई के ले आए। नहीं लगाएंगे फोन। जाओ जो उखाड़ना है तुमको वो उखाड़ लो। का बोला उखाड़ ले। अबे उखाड़िए तो हमरे बाप का समझे। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है हम। साला उनका दिया नहीं खाते हैं। जाओ हमरा कोट ढूंढो कोट के लिए देर हो रही है। अरे कौन सा कोट। अरे पहनने वाला कोट। जाओ तुला रहे ना। जाओ ये काम नहीं कर सकता हूँ। तू दिखा नहीं देता है का यही रखे हैं। लो मर। बस 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 भैया यहीं पे रोक दीजिए यहीं पे। ये लीजिए। ये लो। ये क्या कर रहे हैं आप रख लीजिए आप बहुत थक गए आप। नहीं बेटिया तुम ही बोली थी ना देता तो भगवान है तो वो देगा ना हमका। लो बेटिया तुम जाओ। बोलती सरस्वती की तरह थी
पर है लक्ष्मी, हमरे रिक्शे में बैठ के आई और लक्ष्मी हमरे पास आए गई। मामा हम सामान रख कर आते हैं। अबे रुक, उधर एक मिनट, इधर आ। अरे आना जल्दी आ, पहले बस अड्डे जाए कि गेहूं चावल उठवाई के ले आ। इधर का देख रही है आ? इधर देख, इधर हमरे बाप कलसन में ग्राम प्रधान है। अरे हम डरते नहीं है किसी से। कलसन वाली मामी वो महादेवी का रिजल्ट। आय हाय बोझा रानी, हम घर तुमको मना किए हैं कि कलसन वाली का काम नहीं करो। अरे काहे लड़ाई रही हो भैया, काहे करी जल। अरे हमरे विद्वान पांडे जी तो इसी बार अपनी बिटिया को फर्स्ट डिवीजन दिलवाई दे, मगर तुम जो चली गई रिजल्ट लाने तक का हुई है। देवी फेल, परमानेंट फेल। तुम जो अपना अभग्गा हाथ लगाई हो तो हमरे देवी का खाक पास हुई है। अरे देवी का सरस्वती देवी पास नहीं हो सकत। रज्जुक दुल्हन मुंह बंद कर ले, सड़ जाइए। सड़िए हमरे बाप के गेहूं चावल। अरे जाना बस अड्डे से जाके गेहूं चावल उठाई के ले आ। जी मामी। अरे एक मिनट बोझा रानी, अपनी अभागे हाथन से हमारी देवी को फेल तो करवाइए दिए, अब अपने अभागे मुहे से पढ़े जाओ नंबर। मिठू मामी वो देवी खुद ही अपना रिजल्ट पढ़े तो। अरे दिखा नहीं दे रहा है का? हम नेल पॉलिश लगा रहे, तुम खुद ही पढ़ लो ना। मामा आप। अरे मैं पढ़ता लेकिन जब वो फर्स्ट आती तो। पढ़ो पढ़ो। जी। हिंदी में 100 में 60। पिछले साल तो 35 थे। इंग्लिश में 100 में 55। पिछले साल तो 38 ही थे। होम साइंस में 100 में 75। पिछले साल तो 10 ही थे। सोशल। अरे कलसन वाली इधर आ रहे ना, चुप देखो तो कलसन वाली। सोशियोलॉजी में 100 में 76। भागो वाली हमरी, भागो वाली। मैंने पढ़ाई थी सोशियोलॉजी। अरे देखा मिठू, अरे मैं नहीं कहता था भाई मेरी बेटी फर्स्ट आएगी। अब ठीक है फर्स्ट क्लास आई, सेकंड आई, जीती रहे। भाई मैंने पढ़ाई थी ना सोशियोलॉजी, भाई महानाम का कुछ तो असर होना ही था। हाँ बैठ बैठ मिठो जी। भाई मैं सोच रहा हूँ कि रज्जू पांडे आज पूरे मोहल्ले को दावत पे बुलाएंगे। अरे रज्जू भैया हाँ, कम से कम पूछ तो लो एक बार, दावत करनी है रात को। अरे हम है नहीं है, चांडी जा रहे हैं हम रात। पहले हमरे बाप का गेहूं चावल मंगवाओ, फिर जई हो सांडी बिलेग्राम। अरे फाइल दो। की नहीं नहीं देंगे, फाइल दो ना। अरे नहीं देंगे वाली। अरे विष्णु पांडे समझदार आदमी है, सब समझे हैं और का समझे तो हमू है। विष्णु पांडे हमरे पांडे पैसा देख देख के सरौ जले जात हो, और हमरे ई का समझिए, ई तो ठहरे महामूरख पांडे। क्या कहते हैं पांडे जी? अरे भाई मैं तो पहले ही कह रहा था भाई, दावत में सबको होना चाहिए। क्यों विष्णु? अरे पार्टी खाइए ना पांडे जी, आइए। पहले हमरे बाप का गेहूं चावल जाके ले आओ। हाँ मंगवा रहे, पहले फाइल दो। लो फाइल दो। वैसे रज्जू भैया आप इतना कह रहे हैं, ठंडी का कल देखेंगे। रुंजुन दावत तो रात को है ना, जा चाय तो बना। जी मामा। अरे दावत बस बाद में होइए, थोड़ा 2 मिनट।
अरे हम पहले अपनी बिटिया की बलैया तो ले ले। हमारी बिटिया आज पास हुई गई है, हाँ? जा बेटा जा, अपने दोस्तों को भी दावत पे बुला ले, सबको बुलाना है, जा। आय हाय पांडे जी, आज भोरे भोरे हम सुनहा दान नहीं दिए होत, तिया भागन का असर चलिए गया होत। अरे मैंने बड़ी मेहनत की थी मिठो जी, उसका असर नहीं होता क्या? सौ झूठे मरे हुए तब कहीं तुम पैदा हुए रज्जू पांडे, काय की तुम्हारी मेहनत, हाँ? देवी को सुबह उठाए कौन? रुनझुन। उसको ट्यूशन पे छोड़ने जाए कौन? रुनझुन। उसका रिजल्ट लाए कौन? रुनझुन। अरे ये तो रुनझुन का भाग है जो देवी पास हो गई महीने की। अम्मा तो कुछ भी बोल पड़ी है, अब कल को बोलिए कि विष्णु पांडे की वकीली चले का है। रुनझुन, रज्जू पांडे इतर विकास का है। अरे रुनझुन, अब मिठो पांडे की तिजोरी भरे का है। रुनझुन, अरे और तो और, अगर ये कलसन वाले के बाप की प्रधानी चले तो? रुनझुन, श्री श्री 108 बोझा रानी, अब चलो अंदर, तनी काम करो, शाम का तैयारी करने का है, सारा सामान उठाओ। जी मम्मी। आय हाय पांडे जी, वो गुप्तियाँ की बिटिया पास हुई रहे तो वो लोग नाच करवाए रहे। मिठो पांडे पूरे मोहल्ला दावत खिलाएंगे आज रात। अरे मैंने ही तो ये आइडिया दिया था मिठो जी। बुलाओ बंटो भाई साहब को, उन्हों को बताओ कि आज पांडे निवास में दावत हुई रही है। हाँ, हाँ, अभी बुलाते हैं। बंटू भाई साहब तो सामने साड़ी की दुकान में होंगे ना, वहाँ से बुलवा लीजिए। अरे काहे का दुकान और काहे का धंधा, अरे घर घुसा बीवी के पल्लू में छुपा बैठा होगा ऊपर और का। बिल्लू बिल्लू रानी, कान का ये वाला पहनाए या ये वाला? तो नहीं बताते तो नहीं खरीदने तुम्हारी रिक्शा। नमस्ते। काहे परेशान हो? काहे तो काहे पड़े हो बंटू जी, पूरा मोहल्ला हंसता है कि बंटू पांडे मोहल्ले में साड़ी की दुकान खोल के बैठे हैं, मगर पूरा पूरा दिन घर में बीवी साड़ी बांधते रहते हैं। अरे तो क्या बुरा करते हैं? अच्छा बिल्लू ये देखो नया स्टॉक आया है। अरे ये खूबसूरत साड़ी है, ये तो देखो। हमारे लिए? हाँ हाँ, आप ही ना बंटू जी। बिल्लू तो क्या ही रहता है बंटू जी अभी? ए बंटू पांडे, मेहरारू को लेके साड़ी की दुकान में टंगा का ही नहीं देता। काहे को चिल्ला रहे हो? खाना खा रहे थे। हमें बता आप कौन सा खाना खा रहे थे? नहीं जाओ तो काका ने अब झम से कूद जाएगा। अरे नहीं नहीं बंटू भाई साहब, आप काहे कूदियो? अरे आप तो आराम से खाना खाओ। उका है ना कि हमरी महादेवी पास हुई गई है, शाम को दावत रखे का है। ठीक है भेज देते हैं। अरे नहीं नहीं कलसन वाली, बंटो भाई साहब को भी बुलाओ, वरना शाम के दावत में नई नई सरिया आई कहाँ से? बिल्लो दीदी का फोकट में दे दिए। अरे एक एक साड़ी का पैसा ले लिया। हाँ भाई, इस घर में तो मेरे बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है। अरे भाई मैं ही जाऊँ और मिठाई लेकर आऊँ? नहीं मामा, हम मिठाई लेते हुए आए थे, हम लेकर आते हैं, आप सबका मुँह मीठा कराइए। लेके आओ। हाँ तो मिठो जी, अरे भाई सोचा भी है, अरे आज दावत में काका बनेगा भाई। पुलाव, रायता, चना के दाल का तड़का, आलू दम जीजी। हाँ हाँ हाँ, तुम जाओ ऊपर, ऊपर जाके बिल्लू मामी को बैठक में लेके आओ, सब शाम का तैयारी होने करना है। जी मामी। अरे कलसन वाली तुम हो खाओ।
अरे मिट्टो भाभी। अरे विष्णु पांडे आप खा। अब तू वहाँ कहाँ खड़ी है? अरे जाना बिल्लो मामी को बुला के ले क्या? शाम को तैयारी करे का है। बिल्लो रानी चलो ना बाद में रख लेना। काहे? बाद में काहे रखे? 10 दिन पहले हमारा बूंदा गायब हुआ है यहीं से। बिल्लो मामी ये देखो। ए रंजन तुम कब आई? और हम तुमसे कितनी बार बोले कि जब हम जेवर रख रहे हो तो मत आया करो। बिल्लो मम्मी वो मिठू मामी आपको बुला रही है। बुलाने आई हो तो यहीं खड़ी रहकर बुलाओ। और सुनो ज्यादा हमारी जेवरों पर टकटकियां मत बांधो तुम। जाओ 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 आते हैं। ये घर में चोरों चकारों का कहां भरोसा? बिटिया तुम्हारी जिंदगी भी ये खाली डिब्बे की तरह है। ये मिठाई का डिब्बा तुम्हारी लाई हा? मिठाई उन सब का भाग और ये खाली डिब्बा तुम्हारा दुभाग। अरे ये हमार दुर्भाग्य कब बदलेगा? घर की एक एक चीज बेच के तो हम खा गए हैं। बेचने के लिए बचाई क्या है इसमें देखा जाए। ये कहाँ है भाई? अरे वाह चांदी के झुंझुने। अगर इसको बेचेंगे तो 200-300 रुपए तो मिल ही जाएगा। वाह लखन वाह देखा जाए कहाँ है भाई। अरे गैया ये तो रुनझुन की कुंडली है। रुनझुन की कुंडली में स्वर्ण भाग श्री योग। हम रुनझुन के चाचा यानी कि लाखन मिश्रा अब रुनझुन की कुंडली का भाग ही बदलेगा हमारा दुर्भाग्य।